हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं बालोद पे बाबा एग्रीकल्चर, जहां सेकंड हैंड ट्रैक्टर्स का वीडियो बनाया था, वहाँ अच्छा खासा रिस्पांस दिया था। आज भैया के थ्रू एक ही ट्रैक्टर्स का डिटेल्स हमारे जरिए इसका बस बताऊँगा, क्योंकि फ्री नहीं है। तो मैं हार्वेस्टर का, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहा था कि हार्वेस्टर के लिए जो ट्रैक्टर है महिंद्रा का अर्जुन नोवो, महिंद्रा का 605 DI, ये मैं आपको भैया के थ्रू, रामेश्वरम भैया के थ्रू दिखाने वाला हूँ वो वीडियो में, मतलब वो उसी का, बाकी वो फ्री नहीं है। तो मैं आज खुद डिटेल से बता लूँ कि न्यू में आखिर क्या प्राइस पड़ता है छत्तीसगढ़ में, कि अलग अलग जिला का अलग अलग प्राइस होता है। तो किसान भाइयों के लिए बहुत कमेंट कर रहे थे कि ऐसा कुछ वीडियो लाइए जिसमें नया का प्राइस भी हमें पता चले। तो मैं स्टार्ट करते हैं पहले तो, और भाइयों किसान भाई को शेयर कीजिएगा वीडियो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है चित्रांश। से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी सर, जी सर। आज क्या क्या दिखाने वाले नए में? नए जितना पूछो, जो भी पूछो हम दिखा देंगे। 35 HP से लास्ट क्या है हमारे पास अभी अवेलेबल, सामने खड़ी 57 HP तक। 57 HP तक स्टार्ट करते हैं। ये महिंद्रा का 605 DI। जी जी। ये कितने HP में आता होगा? ये 57 HP का। 57 HP में है जी, जी। और ये तो हार्वेस्टर में भी यूज होता है? हार्वेस्टर के लिए स्पेशल गाड़ी, स्पेशल बना हुआ ही है ना। इसमें 2 wheel भी आता है, 4 wheel भी आता है। अच्छा, इसका क्या होगा इंजन कैपेसिटी? इंजन का ये पड़ेगा आपको 2100 कैपेसिटी। हाँ। अच्छा, इसका टायर का साइज क्या होगा? 16-9 का टायर है। 16-9 का। हाँ। और सामने का? ये 7516 का। अच्छा, 7516 का है जी। और ये ऑन रोड क्या प्राइस है? ये ऑन रोड अपने किसान को जैसे देना है ना। हाँ। तो अपने को 9.5 lakh rupees। अच्छा, ये सभी मतलब सभी चीज में चला सकते हैं इसको, रोटा वगैरह सब? सब इसमें 7 feet का रोटावेटर चलेगा। 575 DI। ये आपको टायर्स के साइज देखें तो ये आपको ज्यादा कुछ नहीं रहता, सामने का 616 रहता है, और पीछे की टायर्स की बात करें तो मैं आपको टायर्स के साइज 14-9-28 के टायर्स आते हैं, और ये इसमें C8 के टायर्स लगे हुए हैं आगे पीछे। इसको देखें, वो 575 DI है, 2021 न्यू में है, और इसका मैं RTO फाइनेंस की सुविधा में कितना कंप्लीट एसेसरीज के साथ प्राइस बताने वाला हूँ, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है ये भी बताता हूँ। ये आपको पावर स्टेयरिंग के साथ में है, और ये इसका मैं दिखाऊँ तो आपको ये 45 HP में आता है। ये आप किसी चीज़ में भी, रोटावेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे महिंद्रा का वो 575 DI बहुत डिमांडेबल है, और इस देखे तो अदर, ये छत्तीसगढ़ के लिए प्राइस बताऊंगा। इसमें आपको इंश्योरेंस RTO का कंप्लीट है, और ये आपको जो एसेसरीज लगेंगे कंप्लीट, मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। ये प्राइस आपको 8,10,000 नेगोशिएबल, मतलब कम ज़्यादा ज़रूर होगा किसान भाई, जैसे उनकी गुंजाइश पूरी होगी। और ये आपको मैंने बताया इसका हुड वगैरह पूरा कंप्लीट, जैसे यहाँ मिलेगा न्यू में वैसा मिलेगा ही। इसके बाद दिखाने वाला हूँ मैं आपको ये SP+ का है, महिंद्रा का 575 DI SP+। इसके जैसे कि टायर्स मैंने बताया, सामने का 616 में आता है, और ये 14-9-28 सेम टायर्स रहते हैं, पावर स्टेयरिंग है, और इसके वो इससे कम रहता है ये प्राइस इसका। तो मैं इसका दिखा देता हूँ SP+, ये वाला है SP+ में 2 HP एक्स्ट्रा रहता है, ये आपको 47 HP में आएगा। मैं आपको सिर्फ इसका प्राइस बताऊँगा, ये है 7,50,000 में SP+ मिल जाएगा। इसका बाबा एग्रीकल्चर्स करके ये बालोद छत्तीसगढ़ है, मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं 9424131712, सिवनी बालोद करके है, जस्ट सामने गंगा मैया है, दुर्ग वाला रोड है ये। भाइयों ये महिंद्रा का वो 575 DI है, 4-wheel drive के साथ आता है, पावर स्टेयरिंग है। इसके टायर्स के साइज देखें तो आपको मैं बता देता हूँ, ये है 9-5-20 करके रहता है इसका टायर्स का साइज है, और पीछे की टायर्स के है 14-9-28 का टायर है, 4-wheel drive सेम जैसे वो 275 DI दिखा है, ये 4-wheel drive में आता है। और ये आपको 4-wheel drive का 45 HP है, सेम HP में रहता है सिर्फ इसके टायर्स के, और इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है 8,80,000। इसमें MRF के टायर लगे हुए हैं आगे पीछे दोनों, HP बताएं मैंने सिर्फ, ये आपको नॉर्मल बता, पावर स्टेयरिंग है, ये 4 सिलेंडर के साथ आता है, 35 HP से लेकर 57 HP तक है यहाँ अवेलेबल, और ये एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया है। और ये आपको पूरा एसेसरीज के साथ जो मैंने प्राइस बताया 8,80,000 प्राइस है 4-wheel drive का। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ न्यू का, आप तक अभी तक मेरे चैनल में नहीं देखे, इसलिए मैं प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह जिला में अलग अलग प्राइस में होता है भाइयों, किसान भाइयों को पता नहीं होता कि किस प्राइस में हर जगह अलग अलग मिलता है। इसलिए इसका मैं 4-wheel drive अगर कहीं लेने जाएंगे तो आप वीडियो के माध्यम से जा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, कितना प्राइस आपने बताया था।
और इसके बाद मैं आपको 475 का DI SP प्लस दिखाऊंगा। तो आइए इसके डिटेल्स बताते हैं। दोस्तों ये है महिंद्रा का 475 DI SP प्लस, 2 HP में आता है प्लस के साथ, और ये आपको पीछे के टायर 13/28 C8 के टायर्स लगे हुए हैं इसमें। सामने MRF का टायर है, ये आपको 6/16 साइज में आता है। 44 HP, अगर ऐसे नॉर्मल SP प्लस नहीं रहता तो ये 42 HP का रहता। और इसमें आपको जो अंदर के रिव्यू करके मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये ओनली प्राइस जो जिला में होना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ में जिला जिला का अलग प्राइस है कि नहीं, ये हम पता कर रहे हैं। जैसे किसान भाइयों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से आकर लेते हैं वो, अंदर अंदर गांव में रहते हैं, इसलिए इसका मैं डिटेल्स बता देता हूँ आपको। ये आपको SP प्लस में है तो 44 HP, 7,60,000 इसमें RTO, साथ ही एसेसरीज ये सभी कंप्लीट है इसका 7,60,000। इसके बाद मैं आपको दूसरी ट्रैक्टर्स दिखाता हूँ। दोस्तों ये है महिंद्रा का यूवो 475 DI। इसके अब शानदार लुक की बात करें, 4-व्हील ड्राइव के साथ है, ये 4-व्हील ड्राइव करके है और ये महिंद्रा का है। जो लुक वगैरह थोड़ा चेंज हुआ है, यूवो का ये एक ब्रांड हो गया है। और इसमें आपको टायर्स की साइज़ देखें तो ज़्यादा नहीं है, सेम साइज़ में आता है। ये आपको 13/28 का मिलेगा और ये सामने के टायर से आपको बड़े साइज में रहेगा, 8/18 का साइज दिया हुआ है ये। और इसका जो न्यू में क्या प्राइस होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 4-व्हील ड्राइव का है तो ये आपको 42 HP, जैसे मैंने बताया प्लस में जो देखे थे हमने वो 2 HP एक्स्ट्रा, और ये 42 HP का है। ये आपको कंप्लीट एसेसरीज RTO करके, RTO इंश्योरेंस करके 8,30,000 में इसका प्राइस है। और ये पावर स्टेयरिंग की है ना, जो भी देख ये नए में है जो प्राइस होना चाहिए आपको। बीच बीच में इसका मैं कंडीशन कैसा लुक के साथ आता है वो भी दिखाऊँ। सबका पसंदीदा ट्रैक्टर 475 DI भूमिपुत्र है ये। इसके लुक की बात करें, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। भूमिपुत्र है 475, 42 HP में आता है, 42 HP का ट्रैक्टर है ये। 7,30,000 इसका ऑन रोड जो इंश्योरेंस RTO एसेसरीज करके ये जो प्राइस है। DLX मॉडल दिखा रहे हैं दोस्तों, ये DLX मॉडल है, ये आपको 3 सिलेंडर में आता है। ये आपको बाकी जो मैं सिर्फ प्राइस बता रहा हूँ, रिव्यू वगैरह नहीं कर रहा हूँ। और सेकंड हैंड के लिए मैं आपको यहाँ का जो गुरूर में है वहाँ का और वीडियो बन चुका है, अब ये वीडियो वहीं शूट करने जाएंगे तो वहाँ का भी आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना क्या वहाँ है। सेकंड हैंड में कम से कम में मिलता है, वहाँ 60,000 से स्टार्ट है। दोस्तों ये है महिंद्रा का 415 DI भूमिपुत्र, 3 पंखे के साथ देख सकते हैं, 3 इसका पत्ती लगी हुई है, लोगो डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये आपको देख सकते हैं एक्स मॉडल है इसका, मैं आपको 14 HP का है, 40 HP में आता है। टायर्स की साइज़ देख सकते हैं, ये आपको सामने का रहेगा 6/16 का आता है, पीछे है 13/28 के टायर्स आते हैं। और इसका लुक देखें, एकदम महिंद्रा का है। और इसका मैं ऑन रोड प्राइस बताऊं, 6,80,000 इसका प्राइस है। आपको बीच बीच में जो न्यू में जो रहता है स्टार्टिंग में, और ये जिला का प्राइस है। आपको एक और ट्रैक्टर्स है 585, वो भी दिखा देते हैं भाइयों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये है महिंद्रा का यूवो 585 DI है ये। आपको 4-व्हील ड्राइव है, डबल क्लच के साथ आता है, 4 सिलेंडर का है और ये पावर स्टेयरिंग में है। इसके टायर्स के साइज में आपको बताऊं तो ये 9/5/20 का है और पीछे है 14/9/28 का। सामने के जो टायर्स लगे हैं C8 के टायर्स हैं और पीछे भी हैं C8 के ही टायर्स लगे हुए हैं। ये आपको जो इसको आप ज़्यादातर 4-व्हील ड्राइव अभी अभी बहुत आ रहा है, अभी अभी ये टाइम है महिंद्रा का। और यहाँ अभी ऑफर चल रहा है, महिंद्रा किसान महोत्सव करके है त्यौहार ऑफर, तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर स्टफ हरदम करके, ये आपको बोर्ड भी मैं स्टार्टिंग में दिखाऊंगा। ये आपको 4-व्हील ड्राइव है, ये यूवो है ना, और ये आपको 50 HP में आता है, 8,75,000 पूरा एसेसरीज RTO इंश्योरेंस के साथ में ये आपको मिलेगा। तो दोस्तों लगभग मैं आपने आपको दिखाई दिया है। तो साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है Chitrans12345। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई लोग, किसान भाई, और शेयर करना वीडियो को, सभी तक जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।